लास्ट टाइम तक हमने डिस्कस कर लिया था कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म प्लांट जिसके लिए कोई माइक्रोब सिम्बायोटिक नहीं है वो किस तरह से अमोनिया प्रोड्यूस करता है, और हमने देखा कि उसके तीन स्टेप थे, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाइट्रेट एसिमिलेशन में एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट ने नाइट्रेट को एब्जॉर्ब किया है और एब्जॉर्ब करने के बाद ये उसे कन्वर्ट करेगा वापस नाइट्राइट में, एंड नाइट्राइट देन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। ये रिएक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है नाइट्रिफिकेशन का, नाइट्रेट एसिमिलेशन का रिएक्शन। इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की, जबकि यहाँ छः इलेक्ट्रॉन और छः प्रोटॉन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रोसेस में यहाँ का एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज है और यहाँ नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। जिस तरह हमने पढ़ा कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन है, उसी तरह नाइट्रेट रिडक्टेज भी एक आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन है, और इस प्रोसेस के लिए जो इलेक्ट्रॉन का डोनर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम रेस्पायरेशन करता है। इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन रेस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता है। सेकेंड केस जो है वो एक कॉपर आयरन प्रोटीन है, और इस प्रोसेस के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रोवाइड करता है। असल में लोकेशंस का फर्क है। नाइट्रेट रिडक्टेज नाम का एंजाइम लिविंग सेल्स, लिविंग प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि यह एंजाइम सिर्फ फोटोसिंथेटिक जो बीजोफिल सेल्स हैं वहां पर पाया जाता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन का डोनर इसीलिए लिविंग सेल में रेस्पिरेशन सभी में कॉमन होता है, और यह एंजाइम सभी लिविंग सेल में पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम यहाँ पर रेस्पायरेशन करेगा जो हर लिविंग सेल में पॉसिबल है। क्योंकि यह सिर्फ बीजोफिल सेल में पाया जाने वाला एंजाइम है इसलिए वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा ही, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डोनेशन फोटोसिंथेसिस करेगा। यहाँ अमोनिया बनकर तैयार है। हम इस बात को वापस समझें, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू लेग्यूम प्लांट्स अमोनिया बनाते हैं। दूसरी बात, वो सारे प्लांट्स जिनमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा वो अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रेट एसिमिलेशन के थ्रू अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। यानी प्लांट चाहे किसी भी तरह से बनाए, अल्टीमेटली वो अमोनिया बनाएगा। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया है। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि अमोनिया का यूज कैसे होगा, वो सभी प्लांट्स कॉमन तरीके से करते हैं। एक बार अमोनिया बन जाने के बाद व्हाट विल बी द फेट ऑफ अमोनिया, उस पर डिस्कस करें। तो दो फेट है अमोनिया का, भविष्य दो है। एक इस अमोनिया को अमीनो एसिड प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग किया जाए, और अगर अमीनो एसिड की एम्पल सप्लाई अवेलेबल है
यानी सफिशियंट क्वांटिटी में अगर अमीनो एसिड प्रोड्यूस है और फिर भी अमोनिया अवेलेबल है तो फिर अमाइड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। ये अमाइड्स जो है ये स्टोरेज का पर्पस सॉल्व करेंगे। ये स्टोरेज होगा नाइट्रोजन। हम दोनों हेडिंग्स पर अलग अलग बात करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस दिस द अमीनो एसिड प्रोडक्शन। एक बार नाइट्रोजन का अमोनिया की फॉर्म में आने के बाद अमीनो एसिड प्रोडक्शन का कार्य शुरू होगा और अमीनो एसिड प्रोडक्शन का ये काम दो तरीके से पॉसिबल है। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड रिडक्टिव अमाइनेशन। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड रिडक्टिव अमाइनेशन and the second heading is called transamination। इन दोनों इवेंट्स में दोनों ही इवेंट अमीनो एसिड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। हम दोनों मेथड्स पर अलग अलग बात करेंगे। इनमें जो मेजर मेथड है एक्चुअली वो रिडक्टिव अमाइनेशन का मेथड है। हम पहले मेथड पर बात कर रहे हैं रिडक्टिव अमाइनेशन मेथड ऑफ अमीनो एसिड प्रोडक्शन। इस प्रोसेस में जैसा हमने कहा कि रिडक्टिव अमाइनेशन का जो प्रोसेस है वो मेजर प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस में अल्फा कीटो ब्यूटारिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जिसे हम अल्फा केजीए के नाम से लिखते हैं, ये एक 5 कार्बन का कीटो एसिड है। ये 5 कार्बन कीटो एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। हमने पहले भी कहा कि अमोनिया बनते ही इमीडिएटली अमोनियम आयन्स में कन्वर्ट हो जाती है और इन अमोनियम आयन्स को तुरंत उपयोग में लाना आवश्यक है, अदरवाइज ये विषाक्तता टॉक्सिसिटी उत्पन्न कर सकते हैं। ये दोनों जब मिक्स होंगे यानी 5 कार्बन कीटो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और अमाइन जब मिक्स होंगे इस काम में एक एंजाइम उपयोग में आएगा जिसे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज कहा जाएगा। यह एंजाइम एनर्जी यूज करता है और वो एनर्जी NADH या NADPH की फॉर्म में हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि ये जो हाइड्रोजनेशन पावर है अगर मैं NADPH कहता हूं तो इसका मतलब है कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस से आ रही है यानी फोटोसिंथेसिस से, और अगर मैं NADH कहता हूँ तो ये कैटाबॉलिक स्ट्रीम से आ रहा है दैट इज रेस्पिरेशन। यानी इस हाइड्रोजनेशन पावर का सप्लाई फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है और रेस्पिरेशन भी हो सकता है। इससे इस एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस होगा और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलेगा। याद रखें रिडक्टिव अमाइनेशन में कीटो एसिड
नाइट्रोजन का अमोनियम फॉर्म लेकर और रिड्यूस हो जाता है, ठीक। प्लस रिडक्शन के लिए क्योंकि अमाइन ग्रुप अटैच हो रहा है तो प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्टिव अमाइनेशन। साथ में हाइड्रोजन का एडिशन ये करेगा। प्लस अमीनो एसिड जब भी प्रोड्यूस होता है वाटर रिलीज होगा। अनदर थिंग, पहला बनने वाला अमीनो अम्ल ग्लूटामिक एसिड होता है जो वास्तव में एक 5 कार्बन का अमीनो अम्ल होगा। असेंशियल अमीनो एसिड्स में से सबसे पहले बनने वाला अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होगा। एक बार ये अमीनो एसिड बन जाने के बाद अदर अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांस अमाइनेशन। बट फर्स्ट प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड ऑलवेज, वेयर द स्केलेटन ऑफ कार्बन इज प्रोवाइडेड बाय दिस 5 कार्बन कीटो एसिड, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड। इन अदर लैंग्वेज, क्रैब्स साइकिल में ये कीटो एसिड बनता है और इसका काम होता है अमीनो एसिड प्रोडक्शन में कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करना। अमाइन ग्रुप अटैच होगा इसलिए 5 कार्बन का एक अमीनो एसिड बनकर तैयार होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लूटामिक एसिड। और हाइड्रेशन होगा, हाइड्रोजन पावर ये प्रोवाइड करेगा जो रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस कहीं से भी आएगा। एक बार ये अमीनो एसिड बनने के बाद, ग्लूटामिक एसिड बन जाने के बाद, अन्य 19 अमीनो एसिड जो बनते हैं उनमें किसी न किसी तरह से योगदान देता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि वास्तव में प्रोलीन नाम का अमीनो अम्ल के बनने में ग्लूटामिक एसिड का कोई योगदान नहीं है, ग्लाइसिन बनने में ग्लूटामिक अम्ल का कोई योगदान नहीं है। तो बचे अमीनो एसिड 17, एक तो ये हो गया ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन बनने में इसका कोई योगदान नहीं है, प्लस आगे जाकर हम देखेंगे ग्लाइसिन बनने में इसका कोई योगदान नहीं है, बचे 17। तो अन्य 17 अमीनो अम्लों के बनने में ग्लूटामिक एसिड योगदान देगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड इज ट्रांस अमाइनेशन। आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टाइम पर इस टॉपिक को कंपाइल करेंगे। थैंक यू।